हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में जाना था, यानी मॉड वाले फंक्शन हम किस प्रकार से डील करते हैं उनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाना था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखने में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर कहां से, 10 से। और बेहतरीन तरीके के आपको क्वेश्चन आज की क्लास में केवल रिवीजन करने के लिए मिलेगा। रिवीजन करने का मतलब ये है कि पिछली क्लास में हमने जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिससे पिछले जो पैटर्न हुए हैं, जिस टाइप के पैटर्न हुए हैं, वो आज आपको पूरी तरह रट जाएंगे ये। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि आपके पास कोई डाउट रहे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमें फलन दिया गया है वो दो फलन दिए गए हैं, यानी दो बिंदुओं पर फलन टूट रहा है। दो बिंदुओं पर कहा, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हो या तो 1 से बड़ी हो तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, और यदि x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम इस फंक्शन को लेंगे, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम इस फंक्शन को ले लेंगे। हमें चेक करना है 1 पर, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 ही दिख रहे हैं, तो केवल 1 पर ही चेक करना है। ठीक है, बाकी तो अदर बिंदुओं पर फलन संतत ही होता है, हमें डाउट केवल इन 1 में, तो 1 पर चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन की जांच, फलन की जांच। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान ये क्या हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ना देखना हो तो कोई भी तब भी कोई दिक्कत है, आपको पूरी तरह से आज की क्लास समझ में आ जाएगा। ठीक, बस शांति से आप लोग देखते चलिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x tan 2, जहां पर चेक कर रहे हैं लिखेंगे 1 और ऊपर लगा देते हैं माइनस का साइन। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेते हैं, ये आपका इधर लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये आपके राइट हैंड लिमिट होते हैं। इधर सभी पॉजिटिव माइनस की वैल्यू होती है, इधर सभी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स। तो अब हमें कौन सा फलन लेना है, वो ये चीज़ डिसाइड करेगा कि हम कौन सा फलन लें, ये फलन या ये फलन। एक माइनस मतलब एक से कम में हम कौन सा फलन लेंगे, एक से कम में हम इस फलन को, ये कह रहा है x की जो वैल्यू 1 से कम हो तो हम इस फलन को ले लेंगे, अदरवाइज हम इस फलन को ले लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे लिमिट x tan 2 1 माइनस फलन लेंगे x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना x बराबर, हमें क्या मानना, x बराबर 1 माइनस एच, x बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1 बराबर 1 माइनस एच, तो h बराबर 0। तो अब जो हमारी लिमिट थी वो लिमिट शिफ्ट हो चुकी x से कहाँ पर, h पर, और वो भी h tan 2 0 पर, यानी x का मान 0 की तरफ जा रहा है। x की जगह हमें रख देना है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये होल स्क्वायर है और प्लस का 1, ये आपका फलन हो गया। अब h की जगह पर रखेंगे 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tan 2 0 प्लस,
सॉरी एक प्लस, क्योंकि हम एक पर चेक कर रहे हैं, एक प्लस एफ हाफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू एक प्लस मतलब एक से बड़ा। जब एक से बड़ा की बात आए तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक से बड़ा या एक के बराबर की बात हो रही है, तो हम इस फलन को ले लेंगे यानी एक्स प्लस वन। अब जिस पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया उसी पैटर्न से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर वन, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस एच, x की वैल्यू वन, वन प्लस एच, तो h बराबर हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो, x के जगह पर रखेंगे वन प्लस एच प्लस वन, तो h की जगह पर जीरो हमें रख देना है, तो वन प्लस जीरो प्लस वन, तो ये तो हो गया आपका दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब फलन की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, एफ कहाँ पर वन पर, सॉरी कहाँ पर वन पर चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वन। अब एक्स की वैल्यू वन के बराबर हो तो ये वन के बराबर की बात कर रहा है, यानी ये फलन ले लेंगे यानी एक्स प्लस वन, तो एफ आप वन एक्स जगह पर रखेंगे एक प्लस एक, तो फलन की वैल्यू कितनी आ गई दो, जो कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ हाफ वन तीनों की वैल्यू बराबर। तो ये हैं आपके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अब तो आप समझ गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ हाफ वन कितना आया है टू, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर कहां पर वन पर, x बराबर वन पर फलन सांतत है। इतना काम केवल करना है, और इसने बिंदु पूछा है तो x बराबर वन आपको बिंदु मिल जाएगा जहां पर फलन का मान क्या है सांतत है। बताइए कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन आपको दसवां समझ में आया या नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि हमें चेक किन किन बिंदुओं पर करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहाँ कहाँ पर संतत होगा, ये जो फलन दिया गया है कहाँ कहाँ पर हमें चेक करना कि संतत है, कहाँ पर चेक करना असंतत है। तो आपके सामने दो नंबर दिख रहे हैं, जीरो और दो, तो हम लोग कहाँ पर चेक करते हैं जीरो और दो पर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर संतत की जांच, संतत की जांच। तो शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग वही पुराना तरीका अपनाएंगे जो इसके पहले वाले में किए थे, लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस, जीरो माइनस एफ हाफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटी वैल्यू। अब जीरो से छोटी वैल्यू में हम इस फलन को लें या इस फलन को लें, तो x की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो के बराबर हो, x की वैल्यू या तो जीरो हो जीरो के बराबर हो या तो जीरो से छोटी हो, उस कंडीशन में हम इस फलन को लेंगे। तो x की जो वैल्यू है जीरो से छोटी हो वो वही कंडीशन मिल रही, यानी यहाँ पर आ जाएगा x की पावर तीन माइनस तीन। अब यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर जीरो माइनस एच, तो x जगह पर रख देंगे जीरो बराबर जीरो माइनस एच, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आई जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टैन टू जीरो, और x की जगह पर रखेंगे जीरो माइनस एच की पावर तीन, और माइनस में है तीन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिमिट h टैन टू जीरो, एच की जगह पर हमें रख देना है जीरो माइनस जीरो का
अच्छा हाँ, आप यहाँ पर जब जीरो जब एच टेन पे जीरो रख देंगे तो लिमिट आपकी हट जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस थ्री, तो जीरो की पावर क्यूब करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा, और माइनस का तीन जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का तीन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट इसको भी हमें उसी मेथड से ही करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टैन टू जीरो प्लस, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और आ जाएगा एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टैन टू जीरो प्लस एफ एक्स कौन सा लिया जाए, जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू। अब जीरो से बड़ी वैल्यू कौन होगी, ये कंडीशन तो कह रही x का जो मान हो जीरो के बराबर हो या तो जीरो से छोटा हो। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है x की वैल्यू दो से क्या हो, बड़ी हो। तो जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू। जीरो से बड़ी वैल्यू एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फलन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का। अब लिखेंगे माना एक्स बराबर जीरो प्लस एच, तो एक्स जगह पर जीरो, जीरो प्लस एच, तो एच बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा जीरो। तो एक्स की जगह पर हमें अभी क्या लिखना होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो, एच टेन टू जीरो, और एक्स की जगह पर रखेंगे जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का वन। एच टेन टू जीरो रखेंगे, जीरो प्लस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस का वन, तो जीरो का होल स्क्वायर नहीं, जीरो प्लस वन तो आ जाएगा कितना, वन। तो दोनों क्या बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहीं पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन असांतत है, ठीक है। और यही आपका बिंदु भी हो जाएगा। अब हमने जीरो पर तो चेक कर लिया, अब हम कहाँ पर चेक करेंगे, अब हम चेक कर सकते हैं कहाँ पर, दो पर। तो यहाँ पर हम दो पर भी चेक करेंगे और लिखेंगे एक्स बराबर दो पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट से ही शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आ जाएगा लिमिट दो, लिमिट एक्स टेन टू दो माइनस, दो माइनस मतलब दो से, दो माइनस मतलब दो से छोटी वैल्यू कोई होनी चाहिए, ठीक है। अब दो से छोटी वैल्यू में हम किस फलन का इस्तेमाल करेंगे, इसने तो केवल ये कहा x की वैल्यू दो से बड़ी होनी चाहिए, दो से बड़ी है तो इस कंडीशन में हम इस फलन को लेंगे, अन्यथा हम इस फलन को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया x की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से छोटी हो। और दो माइनस का मतलब दो से छोटी वैल्यू में एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस एक भी, कोई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम किस फलन को ले लेंगे, एक्स की घाते तीन माइनस तीन को। और यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स बराबर दो माइनस एच, तो इस जगह पर हम रखेंगे दो बराबर दो माइनस एच, तो एच बराबर हमें मिल जाएगा कितना, दो। और हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, ये जीरो मिलेगा, ठीक, दो नहीं, जीरो। और एक्स जगह कितना रखेंगे, दो माइनस एच की पावर तीन माइनस का तीन, तो एच की जगह रख देंगे जीरो, तो दो माइनस जीरो का होल क्यूब माइनस थ्री, तो दो का क्यूब हो जाएगा आठ माइनस तीन, जो कि आ जाएगा आपका पाँच। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टैन टू दो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट
एक्स टैन टू दो प्लस, दो प्लस मतलब दो से बड़ी वैल्यू, दो से बड़ी वैल्यू में क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू दो से बड़ी हो तो इस फलन को हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर वही पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो हमने LHL में किया है, ठीक है। तो माना एक्स बराबर, बस यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे दो बराबर दो प्लस एच, तो एच बराबर हो जाएगा जीरो। तो लिमिट एच टेन टू जीरो और एक्स की जगह रखेंगे दो प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में वन, ये आपका फलन बनेगा। और एच टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे तो दो प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस का वन, दो का स्क्वायर चार प्लस वन कितना आ जाएगा पाँच। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए तो हम फलन का मान निकाल लेंगे। तो एफ कहाँ पर, दो पर, तो एफ बार एफ आप दो, जब एक्स की वैल्यू दो के बराबर हो तो इस कंडीशन में हम कौन सा ले लेंगे, इस कंडीशन देखिए ये तुम ले नहीं सकते, ये ले नहीं सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से छोटी हो, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास यही बचता है, इसकी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ आप टू, एक्स की जगह रखेंगे दो का होल स्क्वायर प्लस का वन जो कि आएगा चार प्लस वन एफ आप टू, तो एफ आप टू बराबर आ जाएगा पाँच। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ आप फाइव एफ आप टू बराबर कितना आ गया पाँच। तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर दो पर फलन सांतत है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को आराम से सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बेहतरीन तरीके क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहां पर फलन चेक करें, किस बिंदु पर चेक करें, सबसे मेन बात ये है। तो आपको जो नंबर दिख रहे हैं उन नंबर पर हमें चेक करना होता है। कहां पर चेक करेंगे, देखिए आपको वन ही दिख रहा, वन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, तो भी वन पर ही हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स बराबर एक पर सांतत की जांच, सांतत की जांच। तो शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टैन टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टैन टू वन माइनस कौन सा फलन ले, फलन तो दो हैं, एक तो फलन का मान आपका ये हो गया, दूसरा फलन का मान ये हो गया, तो ये फलन ले या ये फलन ले, डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड ये वन माइनस करेगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स की जो वैल्यू हो या तो एक के बराबर हो या तो एक से छोटी हो जाए, और इस फलन की कंडीशन ये है कि एक्स की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज हमें ऊपर वाला ही लेना है। तो एक माइनस का मतलब क्या होता है, एक से छोटा, एक से छोटा में कौन सा फलन लेना होगा, एक्स की पावर दस माइनस वन, ठीक है। इस फलन को हम लोग लेंगे। अब लिखेंगे माना एक्स बराबर वन माइनस एच। ये एच है क्या, एच बहुत छोटी से छोटी छोटा सा छोटा नंबर है जो हम वन से घटा ले रहे हैं, तो जैसे वन से घटाएंगे वो वन से छोटा आ जाएगा, छोटे लिमिट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में चले आएंगे। तो लिमिट एच टैन टू जीरो, एक्स की जगह पर रखेंगे हमें क्या, वन माइनस जीरो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखना था, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो माइनस वन माइनस एच, एक्स की वैल्यू सॉरी
हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 1 रखना होगा x की जगह पर। चलिए इसको मिट देते हैं, ठीक, 1 बराबर 1 माइनस h, 1 से 1 कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h tan 2 0, x की जगह रखेंगे 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, तो रख देते हैं चीज़ h की जगह पर 0, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 10 का मतलब होता है 1, और माइनस 1 जो कि आ जाएगा 1 से 1 कटकर 0, तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x tan 2 1 प्लस f ऑफ x, इस बार हमें कौन सा फलन लेना है, कौन चेक, कौन डिसाइड करेगा, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े में कंडीशन आपकी क्या है, ये 1 प्लस यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम क्या ले लेंगे, x स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर भी हमें इसी पैटर्न से करेंगे, माना अब ये चीज़ तो आपको रट गई होगी कि बार बार वही हमको करना पड़ रहा है, ठीक है, तो x बराबर कहाँ पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 इस बार प्लस रहा है क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, और h, तो 1 बराबर 1 प्लस h, 1 से 1 कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 0, जैसे ही h बराबर 0 हो गया हमारी लिमिट कन्वर्ट हो गई किसमें, x tan 2 1 प्लस से h tan 2 0 में, x की जगह रखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और h बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर जो कि आएगा 1, दोनों बराबर हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हमें फलन की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं निकालता, यहीं से पता चल गया फलन असंतत है। आप चाहें तो f आप 1 निकाल सकते हैं, f आप 1 क्या कह रहा है, f आप 1 ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 के बराबर, f आप 1 यानी 1 एक होना चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ कह रहा है, कहा जा रहा है या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से छोटी हो, तो 1 के बराबर है तो इस फलन को हम ले लेंगे, x की पावर कितना हो जाएगा 10, x की पावर 10 माइनस 1, तो x की जगह रखेंगे 1 की पावर 10 माइनस 1, तो f ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 1 जो कि कट के आ जाता है, f ऑफ 1 बराबर 0, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तो बराबर आ रहा है, ये राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट इक्वल नॉट f ऑफ 1, बराबर ही नहीं है, ठीक है, जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर, 1 पर फलन असंतत है, बिंदु आपका क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको बेहतरीन लगा कि नहीं लगा, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे क्वेश्चन भी कवर करेंगे जिसमें है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, देखिए इसमें कहा गया क्या एफ एक्स, अब यहाँ पर फलन के दो मान हैं, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5, कब हम x प्लस 5 का इस्तेमाल करेंगे, कब हम x माइनस 5 का इस्तेमाल करेंगे, ये डिसाइड करता है इन नंबरों पर, इन वैल्यू पर, यदि x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी आ जाती है तो हम इस फलन का यूज करेंगे, यानी कि एफ एक्स बराबर हम x प्लस 5 लेंगे, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो हम x माइनस 5 ले लेंगे, ठीक है, तो कहा गया द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, क्या ये संतत फलन है या नहीं,
तो हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे कि सांतत्य फलन है या नहीं, किस बिंदु पर चेक करेंगे, कौन सा एग्जैक्ट बिंदु होगा जहाँ पर हमें डाउट है कि फलन वहाँ पर टूट रहा है और वहाँ पर टूटने के साथ साथ ही असंतत है। तो हम चेक करने के लिए हमारे पास एक ही नंबर दिख रहा है, वो है वन, तो वन पर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स बराबर वन पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से लिखेंगे। अब तो आपको ये पैटर्न याद ही हो गया होगा कि लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस हम लगाएंगे के ऊपर, और वन माइनस एफ हाफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस। किस फलन का हम यूज करें, इस फलन का या इस फलन का, तो यहाँ पर कह रहा है वन माइनस, वन माइनस मतलब वन से छोटा, और ये आपको क्या बता रहा है कि x की वैल्यू या तो वन हो जाए या तो वन से छोटी हो जाए। तो हमें फलन कौन सा ले लेना है, x प्लस पाँच। ठीक है, अब आगे समझिए, माना माना x बराबर वन माइनस h, x यहाँ कितना रख देना है, एक रखेंगे, तो एक बराबर एक माइनस एच, वन से वन कटेगा तो एच बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टैन टू जीरो, एक्स की जगह पर रखेंगे वन माइनस एच, वन माइनस एच और प्लस का पाँच, ये हो गया आपका फलन। एच की जगह पर जीरो रख देना है, तो वन माइनस जीरो प्लस पाँच, तो ये हो जाएगा पाँच एक छः, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट RHS, RHL, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, लिमिट x टेन टू वन प्लस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू वन प्लस, वन प्लस डिसाइड करेगा भाई कि ये फलन लेना है कि ये फलन लेना है, वन प्लस मतलब वन से बड़ा, जब वन से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू वन से बड़ी हो तब ये फलन लेना है, यानी कि x माइनस पाँच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मानेंगे माना x बराबर वन प्लस h, x बराबर हम 1 रखेंगे और 1 प्लस h, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आई, 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h tan टू 0, x की जगह रखेंगे 1 प्लस h और माइनस का 5। ठीक है, तो जैसे ही h tan टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो रख दीजिए 0 यहाँ पर, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो माइनस पाँच, हल करेंगे पाँच में से एक जाएगा तो माइनस का चार आ जाएगा। क्या यह बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर नहीं है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर वन पर फलन असंतत है, असंतत है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये एक नंबर का आता है तो आपको पहला जो हमने स्टेप बताया था, पहली कंडीशन बताई थी कि वहां पर लिमिट का इस्तेमाल, यानी कि अगर ये आपको एक नंबर में मान लो मिलता है तो आपको क्या चेक करना है, लिमिट एक्स टेन टू ए पर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, केवल इतना चेक कर लेना है। ठीक है, और अगर दो नंबर में मिलता है तो आपको फिर ये पूरी कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ये किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है 5.1 का, तो उसे आप जाकर देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करेंगे, इसको पहले देख लीजिए आप लोग। ठीक है,
इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन है। विशेष प्रकार क्वेश्चन होने का मतलब है अभी तक आपको क्या मिलता था, केवल आपको एक या तो इतना था या तो इस प्रकार था, या तो इतना था या तो इस प्रकार था, यानी कि केवल एक आपको बिंदु दिया जाता था और उसी पर हम लोग चेक कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन तीन बिंदुओं पर चेक करना है। कहाँ पर? एक, तीन, दस, आपको कितने नंबर दिख रहा है? एक, तीन, दस, तीन तीन नंबर दिख रहा है। तो तीन तीन नंबर पर हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पर हमें कब कौन सा फलन यूज करना है वो हमें इन बिंदुओं पर डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फलन लें, ठीक है। क्योंकि फलन के तीन मान हैं, तीन, चार, पाँच। अगर एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर या तो एक के बराबर है और एक से छोटी आ जाती है, कहने का मतलब है अगर आप ना समझ पा रहे हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स बिलोंग यानी एक्स की जो वैल्यू है या तो वो जीरो हो जाए या तो फिर वो एक हो जाए या तो एक के बीच के मान हो जाए, ठीक है, या तो जीरो हो जाए या तो एक हो जाए या तो एक के बीच के मान आ जाए, इसके बीच के भी मान हो सकते हैं, तब हम इस फलन का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू हो वो या तो एक से बड़ी हो जाए या तो तीन से छोटी हो जाए। एक से बड़ी होने का मतलब है दो भी आ सकता है, हाँ दो आ जाए, ठीक है, या तो एक से बड़ी या दो या तो तीन से छोटी कोई भी नंबर आ जाए तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू यदि तीन आ जाए, तीन आ जाए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, कहाँ तक? तीन से कहाँ तक? दस तक। तीन से दस तक अगर वैल्यू आती है तो हम इस फलन को लेंगे। ये आपके हमने समझने के लिए बताया है, ठीक है, आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चेक करें, एक पर कि तीन पर कि दस पर? हमें तीनों बिंदुओं पर डाउट है कि हम कहाँ कि ये फलन है कहाँ पर संतत होगा, कहाँ पर असंतत, तो तीनों बिंदु पर चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं x बराबर एक पर। x बराबर एक पर संतत्य की, जो यहाँ पर लिखा हो वही लिखना है, ठीक है, संतत्य की जांच। शुरू करते हैं संतत्य की जांच कहाँ से? लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस, वन माइनस मतलब वन से छोटा। और यहाँ पर वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ी हो या तो एक हो या तो एक से छोटी हो जाए, तो ये एक से छोटी कह रहा है। तो एक से छोटी में कौन सा फलन लेंगे? तीन। कितना फलन लेंगे? तीन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर वही कंडीशन, वही पैटर्न, माना एक्स बराबर एक माइनस एच, तो एक जगह कितना रखेंगे, एक बराबर एक माइनस एच, तो एक से एक कटेगा तो एच टेन टू हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स टेन टू जीरो शिफ्ट होके क्या आ गया है, एच टेन टू जीरो, और कितना है, तीन है। अगर आप इस लिमिट का इस्तेमाल भी करेंगे, एच टेन टू जीरो कहाँ पर रख पाएंगे, कहीं पर आप नहीं रख पाएंगे, तो आपका जो मान है वो कितना आएगा, तीन। अब हम राइट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे, ठीक है, तो चेक करते हैं आर एच एल राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट लिमिट x टेन टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू वन प्लस, वन प्लस मतलब वन से बड़ा, तो ये जो x की वैल्यू कह रहा है वन से बड़ा हो तीन से छोटा हो, तो वन से बड़ा ही तो है, कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। तो फिर हमें वही ये पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा, माना x बराबर वन प्लस h, तो वन बराबर वन प्लस एच, एच की वैल्यू हो जाएगी जीरो,
तो लिमिट h टैन टू जीरो कितना आ जाएगा, फलन चार, चार आया। लिमिट h टैन टू जीरो का इस्तेमाल करेंगे तब भी चार आएगा। क्या दोनों बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, अतः अतः एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर एक पर फलन असांतत है, असांतत है, ठीक है। तो अभी हमने एक पर चेक किया, अभी तीन पर बाकी है, जीरो पर भी बाकी है, ठीक है। दो दो तीन तीन चार चार बिंदुओं पर यहाँ पर हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के जो जहाँ पर हमें चेक करना है वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने एक पर तो चेक कर लिया, एक पर हमने चेक कर लिया, अब हम कहाँ एक पर चेक करेंगे, अभी जीरो पर भी बाकी पड़ा हुआ है, हम जीरो पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे पहले हमें जीरो पर ही चेक करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पीछे भी चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है उससे। तो हम लोग अब कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर सांतत्य की जांच। यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां से आएगा लिमिट x टेन टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, और यहां पर x की वैल्यू क्या कह रही है, x की जो वैल्यू हो या तो जीरो हो या तो जीरो से छोटा आ जाए, ठीक है। बल्कि आपको ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है, आपको इसके माध्यम से समझना है, ठीक है, वो आपके समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो जीरो से छोटा, जीरो से छोटे में हम इस वाले फलन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है x की वैल्यू जीरो के बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़े की बात कर रहा है, जीरो माइनस तो कोई है ही नहीं, जीरो माइनस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है। कहाँ पर देखिए, जीरो से छोटे के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, तो हम लोग जीरो पर चेक कर ही नहीं सकते, तो ये आपका गलत है, ठीक है। हम जीरो पर नहीं चेक कर सकते, जीरो पर हम नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई कंडीशन ही नहीं दी है। तो हम लोग अब कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स बराबर तीन पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, एक्स बराबर तीन पर, तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट लिमिट एक्स टेन टू तीन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू तीन माइनस, तीन माइनस मतलब तीन से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर यही बात कही जा रही है, एक्स की वैल्यू या तीन से छोटी हो या एक्स से बड़ी हो, तो तीन से छोटी में कौन लेंगे, चार। फिर वही पैटर्न जो यहाँ से हमने शुरुआत की थी, माना एक्स बराबर तीन माइनस एच, एक्स बराबर कितना है, तीन है, तीन माइनस एच, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, और फलन का मान कितना है, चार है, एक्स कहीं पर है नहीं, तो इसकी वैल्यू हम तीन माइनस चार रख नहीं सकते, ठीक है। तीन माइनस एच, और एच टेन टू जीरो का इस्तेमाल करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, चार ही आएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में यही पैटर्न आपका चलेगा, बस केवल थोड़ा सा अंतर रहेगा कि जहाँ पर हमने तीन माइनस किया था वहाँ पर तीन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स, इस बार हम कौन सा फलन लेने वाले हैं, कौन सा फंक्शन लेंगे, तीन प्लस, तीन प्लस का मतलब तीन से बड़ा, तो ये वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, तीन से बड़ा, ये तीन के बराबर या तीन से बड़ा हो, दस से छोटा या दस के बराबर हो, तो तीन से बड़ा तो ये हो जाएगा ना आपका, कितना, पाँच। माना एक्स बराबर तीन प्लस एच,
एक्स की वैल्यू कितनी है, तीन है, तीन प्लस एच, तीन से तीन कटेगा तो एच बराबर हो जाएगा जीरो। तो लिखेंगे लिमिट एच टेन टू जीरो कितना जाएगा, पाँच। एच टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, पाँच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है ही नहीं, जब बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ही लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, अतः फलन एक्स बराबर तीन पर असांतत्य लिखेंगे, ठीक है, असांतत्य है। तो हमने दो बिंदुओं पर तो चेक कर लिया, यहाँ पर तक कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो ऐसे आपको कोई समस्या तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपको ये जो पैटर्न भूलने वाले थे वो तो आप रट चुके होंगे, क्योंकि इतने हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि आपको याद आ गए होंगे, ठीक है, याद आ जाते होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। अब हम लोग एक बिंदु पर और चेक करेंगे, वो है 10, वो क्या है, 10 है। तो इस साइड का हम लोग मेट दें, ठीक है, इस साइड का हम रफ कर देते हैं, इस साइड का क्या, दोनों पूरा नोट रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम रफ कर दें, केवल एक बिंदु पर हमें और चेक कर लेना है कि फलन संतत है या असंतत है। कहाँ पर चेक करना है, x बराबर 10 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुरुआत लेफ्ट हैंड लिमिट से ही करेंगे, ठीक है, और लिमिट x टेन टू 10 माइनस, 10 माइनस का मतलब आपको साफ नज़र आ रहा होगा फलन में कि हमें x माइनस 10 का मतलब है कि x माइनस 10 का मतलब है 10 से छोटा, 10 से छोटा। कौन सा फलन लेना है, x की वैल्यू 10 से बड़ी, सॉरी 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो, 10 से बड़ी हो या 10 से छोटी हो, तो 10 से छोटी में कौन सा है, आपका यही फलन मिल रहा है 5। फिर वही पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे, माना x बराबर 10 माइनस एच, x बराबर 10 है, 10 माइनस एच, 10 से 10 कटेगा तो h बराबर आ जाएगा आपका 0। तो लिमिट h टेन टू 0 और यहाँ पर फलन का मान कितना आ जाएगा, 5। h टेन टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब शुरू करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेन टू 10 प्लस, अच्छा 10 प्लस में हम कौन सा ले लें, यहाँ पे ये कह रहा है एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो, जीरो से बड़ी हो या तो जीरो के बराबर हो, एक से बड़ी हो या तो एक से छोटी हो। तो यहाँ पर तो वैसे भी एक के आगे बढ़ नहीं पा रहा, यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो लेकिन तीन से छोटी हो, यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक्स की वैल्यू तीन से तो बड़ी हो जाए, 10 के बराबर या 10 से छोटी हो जाए, ठीक है। तो ये तो वैसे भी हम लोग नहीं ले सकते, तो बचता ऑप्शन कौन है, नीचे वाली है ऑप्शन बच रहा है, तो हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक है, इस कंडीशन हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो चलिए अब लिखेंगे, माना x बराबर 10 प्लस एच, ठीक है, 10 में बिल्कुल छोटी सी मात्रा जोड़ी गई, कोई 0.00 कोई पॉइंट करके जोड़ेंगे तो 10 से छोटी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब x बराबर कितना है, 10 बराबर 10 प्लस एच, 10 से 10 कटेगा तो h की वैल्यू हो जाएगी 0। लिमिट एच टेन टू 0 और फलन आपका कितना है, 5। एच टेन टू 0 रखेंगे भी तब भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे फलन का मान, तो f आप कहाँ पर, x बराबर 10, x बराबर 10 कौन सा मान लेंगे,
यही एक है ही, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 के बराबर हो जाए, 10 के बराबर में आपका फलन कौन सा है, 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 10 कितना बराबर है 5 के। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 10 पर फलन सांतत्य है, सांतत्य है, ठीक है, सांतत्य है। अब जाके ये आप लास्ट में जाके मिला है एक्स बराबर कहां पर 10 पर ये फलन सांतत्य है, 2 पर तो वैसे भी क्या हो गया असांतत्य हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 2 क्वेश्चन आपके याद और करवाए जाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया था, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिख रहे हैं, 2 वैल्यू दिख रही है जहां पर हमें चेक करना है कि फलन सांतत्य है या असंत। 2 बिंदु कौन से हैं, एक आपका 0 है और एक आपका 1 है, इन 2 के अलावा कोई आपको दिख रहे हो तो बता दीजिए, ठीक है। तो हमें कहां पर चेक करना, सबसे पहले 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टैन टू 0 माइनस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टैन टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू। यहां पर फलन के तो 3-3 मान है, अभी तक आपने 2-2 मान पढ़े थे, इसके पहले वाले में 3 मान पढ़े हैं जिसमें 3 मान है, ठीक है। तो कौन सा फलन ले, ये वाला या ये वाला, कौन सा फलन। यहाँ पर 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर ये जो फलन है, ये जो एक्स कह रहा है, एक्स एक्स की जो वैल्यू है 0 से छोटी हो जाए, 0 से छोटी हो जाए मतलब छोटी मतलब 0 से छोटी, ठीक है। तो 0 से छोटी वैल्यू में हम कौन सा फलन ले लेंगे, 2x, क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो कहा गया x की वैल्यू या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 1 और 0 के बीच की वैल्यू हो, ठीक है। और तीसरे फलन में कहा x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो हम 4x का फलन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, x की वैल्यू 0 है तो आ जाएगा कितना 0 माइनस h, सॉरी यहाँ से आ जाएगा कितना 0 माइनस h, यानी h बराबर आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h tan 2 0 और 2 x की जगह हमें रखेंगे 0 माइनस h, ठीक है। अब हम h tan 2 0 इस्तेमाल करेंगे तो 2 0 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 0 मतलब 0, तो ये आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में भी हम सेम पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टैन टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टैन टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू में कौन सा फलन इस्तेमाल करेंगे, 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी वैल्यू हो तो हम 0 ले लेंगे, क्या लेंगे 0। अब हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे, माना एक्स बराबर 0 माइनस एच, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि 0 आने वाला है, फिर भी हमें यह करना पड़ेगा, ठीक है। और 0 बराबर, ये 0 प्लस रहेगा, ठीक है, 0 प्लस एच, यानी एच बराबर आपको मिलेगा 0, तो लिमिट
एच टेन टू जीरो और ये आपका फलन भी जीरो, एच टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो। अब हम फलन की वैल्यू और चेक कर लेंगे, एफ ओ कहाँ पर जीरो पर, तो एफ जीरो मतलब जीरो के बराबर, जीरो के बराबर फलन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जीरो के बराबर जीरो ही रख दिया गया है, जीरो के बराबर ही रख दिया गया। और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो, या तो जीरो छोटी हो जीरो बड़ी हो, तो जीरो के बराबर हो गया। जीरो के बराबर में हम इस कंडीशन में जीरो का फलन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ जीरो टोटल बराबर है जीरो के, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन असांतत है। असांतत लिख दें या सांतत जो कहा है वो लिखेंगे, ठीक है, सांतत्य असांतत्य है। अब हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे, एक पर, ठीक है, हमने जीरो पर चेक कर लिया, अब हम एक पर चेक करेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर एक पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस, वन माइनस मतलब वन से छोटी वैल्यू। और यहाँ पर क्या कहा गया, ये तो जीरो से छोटी वैल्यू की बात की है, लेकिन यहाँ पर कहा गया जीरो से बड़ी हो जाए, एक से छोटी हो जाए, या तो एक हो जाए, तो एक से छोटी में कंडीशन क्या है, जीरो है, ठीक है। फिर हमें वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, माना एक्स बराबर जीरो माइनस एच, तो जीरो बराबर जीरो माइनस एच कहाँ पर चेक कर रहे हैं, सॉरी हम चेक कर रहे हैं एक पर, तो ये आपका एक रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कितना रहेगा एक, एक से एक कटेगा तो एच बराबर हो जाएगा जीरो, और लिमिट एच टेन टू जीरो ये आपका जीरो है, तो जीरो एच टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे कितना आ जाएगा जीरो। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे आर एच एल, तो इसका भी पैटर्न सेम है, लिमिट एक्स टेन टू एक प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू एक प्लस, एक प्लस मतलब एक से बड़ी वैल्यू, चाहे वो 0.00 में ही बड़ी हो, लेकिन एक से बड़ी हो, और एक से बड़ी होने की कंडीशन में ये हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू x से बड़ी होगी तो हम इस फलन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं 4x का, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 1 प्लस एच, x बराबर 1 बराबर 1 प्लस एच, 1 से 1 कटेगा तो h बराबर हमें मिलेगा 0, और लिमिट h tan टू 0, x की जगह पर लिखेंगे हम कितना 1 प्लस एच, ये हो जाएगा, तो हम लोग h tan टू 0 रखेंगे तो 4 1 प्लस 0, जिससे आपका आ गया 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं, तो हमें फलन चेक करने की जरूरत नहीं है फिर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर एक पर फलन असांतत्य है, एक पर फलन क्या है, असांतत्य है, ठीक है। इस प्रकार से अब उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको ये जो भी पैटर्न हम लोग चेक करते हैं ना सांतत्य की जांच के लिए, ये तो आपका रट गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा, उम्मीद है रट गया हो, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज की जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो 16 है,
उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 हैं, ये कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से एडवांस तरीके के हैं, तो हम लोग उनको भी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बाद समाप्त करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम पैटर्न का, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सांतत्यता की जांच कहाँ पर करनी है, क्योंकि यहाँ पर तीन फलन यहाँ पर भी दिए गए हैं एफ एक्स के, माइनस का 2, 2x2। कब हम इन तीन फलन में से कौन सा फलन कब इस्तेमाल करेंगे, वो आपका इन बिंदुओं पर डिसाइड करता है जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब है x की वैल्यू यदि -1 के बराबर हो या -1 से छोटी वैल्यू हो जाए तो -2 लेना है, और यहाँ पर x की वैल्यू या तो -1 से छोटी हो या तो 1 के बराबर हो, तो हम उस कंडीशन में 2x वैल्यू लेंगे फलन का मान, और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो हम केवल 2 ले लेंगे। बस इतना काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे -1 पर, तो लिखेंगे x बराबर -1 पर सांतत्य की जांच। x बराबर कहां पर? -1 पर। शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की शुरुआत हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड टू -1 माइनस से और एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू -1 माइनस, -1 माइनस का मतलब -1 से भी छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर है? ये यहाँ पर, या तो -1 हो जाए या तो एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो जाए, उस कंडीशन में हमें फलन लेना है माइनस का 2, ठीक है। अब फिर वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, माना x बराबर -1 माइनस एच, एक्स बराबर -1 है, -1 माइनस एच, -1 से -1 कटेगा तो h बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो हमारी लिमिट शिफ्ट हो चुकी है x टेन टू -1 से h टेन टू 0 में, और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? माइनस का 2। h टेन टू 0 इस्तेमाल करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की शुरुआत भी ऐसे ही हम लोग करते हैं कि इस प्रकार से लिमिट x टेन टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट लिमिट x टेन टू -1 प्लस का मतलब है -1 से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर ये बात क्या कहा जा रहा है? x कह रहा -1 से इतने में, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ी होने कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2x फलन को, और माना x बराबर -1 प्लस h, x की वैल्यू कितनी है? -1 बराबर -1 प्लस h, -1 से 1 कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 0। लिमिट शिफ्ट हो जाएगी x टेन टू -1 से कहाँ पर? h टेन टू 0 में 0, और 2x की जगह इस्तेमाल करेंगे -2 प्लस h को, ठीक है। और h टेन टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो 2 -2 प्लस 0, दो का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना? अच्छा ये प्लस का 1 है, सॉरी माइनस का 1 है, तो आपका माइनस का 1 रहेगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब हम चेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स का, कहाँ पर? एफ ऑफ माइनस का 1, यानी -1 के बराबर हो, ऐसी कंडीशन में हम किसको लेंगे? -2 को, क्योंकि यहाँ पर कहा गया जा रहा है कि इसकी वैल्यू -1 के बराबर हो, -1 के बराबर होने की कंडीशन में माइनस का 2। तो तीनों के तीनों जो मान है वो बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल
एफ ऑफ माइनस वन बराबर माइनस का टू, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर माइनस टू पर फलन सांतत्य है। ठीक है, अब एक बिंदु आपका और बचता है, कहाँ पर, वन पर, तो वन पर भी हम लोग चेक कर लेंगे। एक्स बराबर वन पर सांतत्य की जांच चेक कर लेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की शुरुआत वैसे ही सेम पैटर्न से करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस, वन माइनस मतलब वन से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर यही कहा जा रहा एक्स की वैल्यू इतने में, ये वाला देखिए वन की वैल्यू या तो एक के बराबर हो या तो एक से छोटी हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग इस फलन का इस्तेमाल करेंगे यानी कि 2x का, और पैटर्न तो आपका वही चलेगा, माना x बराबर वन माइनस एच, वन की x की वैल्यू 1 है तो 1 बराबर 1 माइनस एच, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 0, तो लिमिट h tan to 0, 2x की जगह पर रखना है 1 माइनस एच, तो एच टेन टू जीरो इस्तेमाल करेंगे यानी 2, 1 माइनस एच की जगह पर 0, गुणा करेंगे 2 एकन्नम 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका 2 आ गया। ठीक है, अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट का भी लेफ्ट हैंड लिमिट के जैसा ही पैटर्न होता है, बस प्लस और माइनस का फर्क होता है, लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, अब 1 से बड़ी वैल्यू लेने के लिए ये कंडीशन आपकी बाध्य है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, 1 से बड़ी होने की कंडीशन में 2 ले लेंगे। ठीक है, ये आपका फलन आ गया, फिर हमें वही पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा, माना x बराबर 1 प्लस एच, एक्स का मान 1 बराबर 1 प्लस एच, 1 से 1 कटेगा, तो h बराबर आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, समझ में आ रहा ना, अब उसके बाद समझिए, लिमिट h tan टू 0, फलन आपका कितना है, 2 है, कहीं पर h tan टू 0 रखें भी तब भी आपका राइट हैंड लिमिट 2 ही आएगा। अब हम चेक करेंगे एफ आप कहाँ पर, फलन का मान चेक करेंगे, तो फलन का मान हम लोग बगल में चेक कर लेते हैं, एफ कहाँ पर, 1 पर, एफ आप 1, तो एफ आप 1 कहाँ पर, 1 ये आ रहा आपका 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो यानी इतने में ही, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, 2x, तो f आप 1 जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 1 रख देना है, तो f आप 1 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से एक बात पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f आप 1 कितना है, 2 है, तो अतः x बराबर कहाँ पर, 1 पर, x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपको इस पेपर में 100% सब्जेक्टिव, तो उम्मीद है 2 क्वेश्चन आने की, लेकिन ठीक है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव आपका एक क्वेश्चन 100% इस विधि से आपको लगाना होगा, जो कि बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि जो क्वेश्चन नंबर हमने शुरुआत की थी 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे डाउट सहित। ठीक, कोई भी डाउट रह गया हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर जाके SMS कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप
उस क्वेश्चन की इमेज भेज सकते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग डाउट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।